हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन आर नेक्स्ट मॉड्यूल ऑफ द चैप्टर। इससे पहले वाले मॉड्यूल में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कैसे अलग अलग ट्रेडिशंस इस टाइम पे डेवलप हो रहे हैं। और हमने जो एंड किया था वो किया था द ट्रेडिशंस ऑफ द सदर्न इंडिया, विच वर बेसिकली द भक्ति ट्रेडिशन ऑफ द अलवास एंड नेमास। द अलवर्स वर द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड नेमास वर द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा। और हमने ये भी पढ़ा कि किस तरह से इस टाइम पे काफ़ी बड़े बड़े टेम्पल्स बिल्ड किए जा रहे थे, स्पेशली फॉलोइंग द ट्रेडिशंस ऑफ द अलवाज एंड नेमास। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज वॉट वॉज द एटीट्यूड ऑफ दिस भक्ति ट्रेडिशन टूवर्ड्स द कास्ट सिस्टम। Some historians suggest that Alvas and Nemas initiated a movement of protest against the caste system and dominance of the Brahmins. जितने भी सारे भक्तास थे, वो जो उनका सोशल बैकग्राउंड था वो जनरली क्या था कि ब्राह्मण से कल्टिवेटर्स तक, और इवन जो आउटकास्ट थे जिनको अनटचेबल्स माना जाता था उनको भी इंक्लूड किया जाता था। तो इसलिए ये माना जाता था कि जो अलवाज और नेमाज है उन्होंने एक्चुअली में एक प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया है कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट। सो मच सो दैट अलवाज एंड नेमाज ने ये भी क्लेम किया कि उन्होंने खुद के वेदास कंपोज करे हैं, और जो अलवाज का कॉम्पोजिशन है नरालिया दिव्या प्रबंधम उसे हमेशा तमिल वेदा डिस्क्राइब किया जाता है, और जो कॉम्पोजिशन है नेमार की वो है तेवरम। तो उन्होंने अपने जो जितने भी सारे वेदास हैं जो ब्राह्मण्स ने एक्चुअली लिखे हैं उनको उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दी, और उन्होंने बोला कि हमने अपने खुद ही वेदास कंस्ट्रक्ट करें। द नेम ऑफ द वेदास ऑफ अलवा एंड नेमार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस ट्रेडिशन वॉज द प्रेजेंस ऑफ वुमेन। फॉर इंस्टेंस द कॉम्पोजिशंस ऑफ अंडल अ वुमेन अलवार वर वाइडली संग एंड कंटिन्यू टू बी संग टू डेट। अंडल सॉ हिमसेल्फ एज द बिलवड ऑफ विष्णु, हर वर्सेस एक्सप्रेस हर लव फॉर द डीटी। जब भी हम इस पीरियड से पहले जब भी हम किसी भी भक्ति ट्रेडिशन की बात करते हैं तो उसमें हमारे जो विमेन हैं उनके नेम आते ही नहीं हैं। तो इस ट्रेडिशन की सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात थी वो ये थी कि विमेन ओपनली दे वर बीइंग द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा। तो जो लॉर्ड विष्णु की जो डिवोटी थी, जो अलवर सेन थी, वो थी अंडल, और जो शिवा की डिवोटी थी वो थी करईकला अमैयर। सो वी बेसिकली विटनेस कि इस टाइम पे कैसे जो विमेन है वो भी सोसाइटी के नॉर्म्स को चैलेंज कर रही थी बाय ओपनली वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड विष्णु। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज दैट वॉट वॉज द रिलेशनशिप ऑफ द अलवास एंड नेमास विद द सदर्न स्टेट रूलर्स। तो जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं दैट इज़ द 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी, इस टाइम पे जो एम्पायर्स प्रिवेलेंट थे सदर्न इंडिया में वो थे द चोलास, पल्लवास एंड द पांड्यास। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट था इस रीजन में काफ़ी सेंचुरीज से, लेकिन अलवाज और नेमाज ने ओपनली अपोज किया बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को बाय कंपोजिंग देयर ओन हिम्स, विच वी कैन विटनेस इन देयर कॉम्पोजिशंस लाइक द नलैया दिव्रा प्रबंधम विच वे ऑल्सो क्लेम टू बी देयर वेदास। तो इसलिए ये लोग अब जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म है उनके बजाय जो लोग हैं दे वर बींग अट्रैक्टेड टू द ट्रेडिशन ऑफ द अलवाज एंड द नेमाज। एंड देयरफोर जहाँ पे लोगों का ज़्यादा सपोर्ट है किंग भी हमेशा यही चाहेगा कि उसको भी लोगों का ज़्यादा सपोर्ट मिले। देयरफोर नाउ किंग ऑल्सो वॉन्टेड टू बी द भक्त ऑफ द अलवाज और नेमास सो दैट ही कैन क्लेम हिज पेट्रनेज थ्रू देम एंड सो दैट ही कैन गेन द पॉपुलर सपोर्ट ऑफ द पीपल। स्पेशली तो चोला रूलर्स थे इस टाइम के वो ब्राह्मिनिकल एंड भक्ति ट्रेडिशंस को काफ़ी सपोर्ट करते थे बाय गिविंग देम लैंड ग्रांट्स एंड कंस्ट्रक्टिंग बिग टेम्पल्स ऑफ द विष्णु एंड शिवा। इन फैक्ट सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट जो शिवा टेम्पल है जो कि हमें साउथ में दिखते हैं, स्पेशली चिदम्बरम में, तेंजुवर में, दे वर कंस्ट्रक्टेड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ चोला रूलर्स एंड दे रिप्रेजेंट द शिवा इन बोन स्कल्पचर्स। दे वर ऑल्सो प्रोड्यूस डूरिंग द चोला रूलर, स्पेशली जो हम नटराज की मूर्ति देखते हैं वो भी चोला रूलर्स के टाइम पर ही उन्होंने बनवाई थी। सो दिस बेसिकली इंडिकेट्स दैट हाउ द चोला रूलर्स वर द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड शिवा एंड हाउ दे वर यूजिंग दिस टू गेन पेट्रोनेज अमंग द पीपल ऑफ द साउथ इंडिया।
So Lula tried to win the support of the Alvas and Nemas. The Chola often attempted to claim divine support and proclaim their own power and status by building splendid temples that were adorned with metal and stone sculptures. Also, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इस टाइम पे कि जो टेम्पल्स थे उनमें सिर्फ से जो डीटीज़ हैं, जो डाइटीज़ हैं, जैसे कि लॉर्ड शिवा हैं, सिर्फ उनकी ही मूर्तियाँ नहीं थी, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट सेंट्स हैं उस ट्रेडिशन के, उनकी भी जो फिगर्स हैं वो टेम्पल्स में इंस्टॉल करी जा रही थी. सो द फिगर्स ऑफ वेरियस सेंट्स लाइक अप्पर, सुंदरर, दे वर ऑल्सो इंस्टॉल्ड इन शिवा टेम्पल. इसके अलावा जो चोला रूलर्स हैं वो क्या करते थे कि टाइम टू टाइम इनका जो जितने भी सारे सेंट्स हैं इनके लिए भी पूरी की पूरी प्रोसेशंस निकाली जाती थी. जब भी कोई फेस्टिवल होता था तो इनकी मूर्तियाँ बाहर ले जाई जाती थी और फिर उसको पूरा जो उनके एम्पायर में घुमाया जाता था. विच बेसिकली इंडिकेट्स दैट हाउ पावरफुल द अलवास एंड नेमास हैज़ बिकम इन द सदर्न स्टेट. Also, King introduced the singing of Tamil Shaiva hymns in the temples under the royal patronage by taking the initiative to collect and organize them into texts. तो जो हमने तेवरम के बारे में पढ़ा था, जो कि जो नेमास हैं उन्होंने पूरी जो हिम्स हैं उसको डेडिकेट किया था लॉर्ड शिवा को, ये इनकी पेट्रोनेज भी कौन देता था, जो किंग्स थे वो देते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो भी ये अंडरस्टैंड करें और जो किंग है वो उनके थ्रू जो अपनी कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनसे लिंक क्रिएट करते थे, जिससे कि उनका जो स्टेटस, उनका पावर और उनकी पैट्रनेज और इवन देयर लेजिटिमेसी है वो भी स्ट्रॉन्ग हो. और जितने बड़े टेम्पल बनाते थे उससे उनका पावर दिखती थी कि हाउ पावरफुल दे आर एंड हाउ प्रॉस्परस दे आर. सो दीज वर द अलवास एंड नेमास एंड हाउ दे वर एक्चुअली चेंजिंग द ट्रेडिशंस ऑफ द भक्ति इन साउथ कम्पेयर टू द नॉर्थ इंडिया, जहाँ पे कि हम देखते हैं कि जो भक्ति ट्रेडिशन है वो क्या थे, काफ़ी ज़्यादा रिजिड थे इससे पहले वाले टाइम में. इसके अलावा जो हम और ट्रेडिशन में का डेवलपमेंट देखते हैं वो है कर्नाटका में वी शेवा ट्रेडिशन. अभी तक हमने बेसिकली जो तमिल साइड है उसके बारे में, जो वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही थी ट्रेडिशन अलवास और नेमास उनके बारे में पढ़ा था. अब हम वी शिवा ट्रेडिशंस के बारे में भी पढ़ते हैं. अ न्यू ट्रेडिशन इन कर्नाटका लेड बाय ब्राह्मणा नेम बसावना हु वॉज इनिशियली अ जैना एंड द मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ चालुक्य किंग वॉज एक्चुअली डेवलप्ड अ न्यू ट्रेडिशन ऑफ वी शिवा. सो वी शिवा वर बेसिकली एज वी ट्रांसलेट देम इंडिकेट द हीरोज ऑफ शिवा. They were also known as Lingayats, that is wearing the linga, which was a sign of the devotion to Lord Shiva. So, जो इन्होंने जो शिवा की वर्शिप की ये कैसे करते थे, एक लिंगा की फॉर्म में, जो कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि शिवा को लिंग, जैसे कि हम शिवलिंग के बारे में बोलते हैं उस वे में वो उनकी पूजा करते थे. और वो जितने भी सारे मैन हैं वो लोग अलग ट्रेडिशंस फॉलो करते थे. वो लोग बिलीव करते थे कि जो डेथ है उसके बाद जब एक पर्सन, व्हेन अ पर्सन डाइज दे एक्चुअली यूनाइट विद शिवा एंड दे विल नॉट रिटर्न टू दिस वर्ल्ड. देयरफॉर दे डिड नॉट प्रैक्टिस क्रीमेशन, इंस्टेड दिस सेरेमोनियली बरी देयर डेड, विच इज एक्चुअली अ डिफरेंट ट्रेडिशन. अगर हम पुराने हिंदू ट्रेडिशन में देखें तो उसमें हमेशा जो डेड है उनको क्या किया जाता है, उनको हमेशा उनको क्रीमेट किया जाता है किस तरह से, बर्न करके. लेकिन यहाँ पे दे हैव एक्चुअली स्टार्टेड द सेरेमोनी ऑफ बरी, उनको बरी करने की, जो डेड है उनको प्रॉपर बरी करने की उन्होंने ट्रेडिशन स्टार्ट किया था. लिंगायत्स ने चैलेंज किया कास्ट सिस्टम को एंड द नोशन ऑफ पॉल्यूशन, जो कि ब्राह्मणास ने एट्रीब्यूट किया था सर्टेन पीपल को जिनको कि वो आउटकास्ट मानते थे. उन्होंने जो थ्योरी ऑफ रीबर्थ है इसको भी क्वेश्चन किया, क्योंकि वो मानते थे कि इफ़ अ पर्सन डाइज देन ही और शी रीयूनाइट्स विद द गॉड एंड दे डू नॉट कम बैक. और जितने भी इनके सारे फॉलोअर्स थे दे वर द पीपल हु वर एक्चुअली निग्लेक्टेड बाय द ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस. लिंगायत ने काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस को एनकरेज किया जो कि उस टाइम पे नॉर्मली नहीं की जाती थी, जैसे कि पोस्ट प्यूबर्टी मैरिजेस एंड द री मैरिजेस ऑफ विडो. आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द
Vaishiva tradition is derived from vachanas that were the sayings composed in Kannada by women and men who joined the movement. So, जैसे कि हमने पढ़ा था जितना भी हमारे chapters है उसका जो हमारा main source है वो क्या है, either they are the text that were the religious text or the text or the hagiographies that were actually written by the disciples. So, one such was the composition in Kannada by men and women which were the vachanas of the Vaishiva tradition saints.